क्वेश्चन 11 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमारे पास एक ए सेट है जो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। मान लो जैसे ये जो बोर्ड है हमारा, वो क्या है, वो एक प्लेन है। तो इस प्लेन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। उनका जो सेट है वो ए है आपका। जैसे यहां पर हमने इनफाइनाइट पॉइंट हमारे हो सकते हैं, तो इन सभी का सेट ए है। इस पर एक आर डिफाइंड है, किस तरीके से, आर इज फ्रॉम ए टू ए। और आर किस तरीके से डिफाइंड है, पी और क्यू उस पर दो पॉइंट हैं। तो पी क्यू ऑर्डर्ड पेयर कब होता है, मान लो जैसे यहां पर कहीं ओरिजन है आपका, दैट इज जीरो जीरो, और यहां पर कोई पॉइंट है पी और यहां पर कोई पॉइंट है क्यू। तो इस ओरिजन से जो डिस्टेंस निकालें, इसको नाम दिया ओ, इसको दिया क्यू। तो पी की जो ओ से डिस्टेंस है और जो क्यू की ओ से डिस्टेंस है, अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो P और Q आपके रिलेशन में होंगे, मतलब आपस में रिलेटेड होंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं कि OP यदि OQ के बराबर आ जाता है तो ये जो PQ ordered pair है वो यहां आएगा। यहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ P इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजन। मतलब ये जो दोनों जो डिस्टेंस हैं वो अगर बराबर हो जाती हैं तो वो आर रिलेशन में होगा। हमें ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फोर रिफ्लेक्सिव हम करते हैं। लेट पी बिलोंग्स टू ए, हमने पी आपका ए से कोई पॉइंट मान लिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, यानी किसी भी पॉइंट की ओरिजन से डिस्टेंस आप दो बार नाप लो, सेम ही मिलेगी। मतलब कोई भी जो पॉइंट है वो अपने पास साथ तो रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ पी विच इम्प्लाइज पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो R जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ फॉर सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं लेट P, Q बिलोंग्स टू R, और जो P, Q है वो R में कब होगा, जब आपका जो OP है वो OQ के बराबर रहा होगा, तभी तो P, Q R में आया। तो इस OP को हम ऐसे भी लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP, यानी Q की डिस्टेंस P की डिस्टेंस के बराबर। तो यहां से मतलब आया कि Q कॉमा P जो है वो भी R में होगा। और आप समझ सकते हैं कि P से पहले नाप लो या Q से पहले नाप लो, डिस्टेंस तो दोनों में ही बराबर है। तो Q कॉमा जो P है वो R में होगा, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है हमारा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव हम करते हैं लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू R। अब P कॉमा Q के R में होने का मतलब है OP इज इक्वल टू OQ, एंड Q कॉमा S के होने का मतलब है OQ इज इक्वल टू OS। OP OQ के बराबर है, OQ OS के बराबर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो OP है वो OS के बराबर होगा, और इसका मतलब क्या है कि P कॉमा S बिलोंग्स टू R। आप चेक करिए कि P कॉमा Q R में है, Q कॉमा S R में है, और P कॉमा S भी R में आ रहा है, सो R इज ट्रांजिटिव। सो R इज ट्रांजिटिव। R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। दैट मीन्स R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हैंस R इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इतना क्वेश्चन तो हमने कर दिया। आगे भी वो क्वेश्चन कुछ कह रहा है, फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से जितने भी जो पॉइंट हैं वो रिलेशन रखेंगे और जो पी है वो ओरिजिन के बराबर नहीं है, तो उनसे जो पास होने वाला जो सर्कल जो कह रहा है इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पी, तो यहाँ से अगर उन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो वो एक सर्कल बनेगा। जरा समझो कि पी से क्यू रिलेशन रख रहा है, मतलब ये डिस्टेंस मान लो आर है तो ये भी डिस्टेंस आर होगी, और इससे मान लो कोई एस पॉइंट रिलेशन रखेगा तो वो भी आर होगी, यानी जितने पॉइंट इससे रिलेशन रखेंगे वो सभी डिस्टेंस बराबर होगी। अब उन पॉइंट से जो पी से पास होने वाला कर्व है सभी की डिस्टेंस बराबर है, दैट इज रेडियस, तो ये क्या बन गया, ये सर्कल बन गया। आप बोलेंगे ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स द फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस, फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस अब क्या कह रहे हैं कि हम यहां जो सारे पॉइंट्स पी से रिलेट करेंगे उनकी डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से इक्वल होगी, जिसको कि हम रेडियस कह रहे हैं, एंड हम यहां पे लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी, जो पी से पास होने वाला आपका क्या है, एक सर्कल बन रहा है, क्योंकि वहां से जो उनकी डिस्टेंस है वो क्या आएगी, वो यहां पर बराबर आपके पास आएगी। क्वेश्चन 12 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। एक सेट ए है और सेट ए किस तरीके से है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने ट्रायंगल हो सकते हैं सभी वो इस ए सेट के अंदर हैं, और इन पर जो एक आर रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि टी वन कॉमा टी टू दो ट्रायंगल्स रिलेटेड कब होंगे, व्हेन टी वन इज सिमिलर टू टी टू, इस तरीके से जब ये ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर हो जाएगा तब वो ऑर्डर्ड पेयर यहां आएगा, और वो कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये शो करना है कि ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पर हम सबसे पहले करते हैं फोर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव करने के लिए मैंने यहां पर एक ट्रायंगल मान लिया, लेट से लेट टी वन बिलोंग्स टू ए। अब कोई भी जो ट्रायंगल है वो अपने आप के तो सिमिलर होता ही है, तो हम बोल देंगे कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, वो अपने आप के तो क्या होता है, सिमिलर होता है, तो आप कह सकते हैं कि टी वन इज सिमिलर टू टी वन। अब जब टी वन के सिमिलर है तो मतलब टी वन कॉमा टी वन बिलोंग्स टू आर। टी वन के लिए टी वन कॉमा टी वन टाइप का एलिमेंट आर में मिल रहा है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो जो आर है हमारा वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। फोर सिमेट्रिक करते हैं हम, सिमेट्रिक के लिए हम बोल रहे हैं कि लेट टी वन कॉमा टी टू बिलोंग्स टू आर, कि जो टी वन कॉमा टी टू है वो आर में है, और टी वन कॉमा टी टू आर में कब रहा होगा, जब जो आपका टी वन है वो सिमिलर होगा टी टू के। अब यदि टी वन टी टू के सिमिलर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टी टू इज सिमिलर टू टी वन,
और यदि टी टू टी वन के सिमिलर हो गया तो टी टू कॉमा टी वन बिलोंग्स टू आर, इसका रिवर्स एलिमेंट मिल गया, सो आर इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव करते हैं, लेट टी वन कॉमा टी टू बिलोंग्स टू आर एंड टी टू कॉमा टी थ्री बिलोंग्स टू आर। टी वन कॉमा टी टू का मतलब है टी वन इज सिमिलर टू टी टू एंड टी टू इज सिमिलर टू टी थ्री। टी वन टी टू के सिमिलर है, टी टू टी थ्री के सिमिलर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T3, तो विच इंप्लाइज कि T1 इज सिमिलर टू T3। और अगर T1 T3 के सिमिलर है तो आप कह सकते हो कि T1 इज T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। तो R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। Now, hence R is an equivalence relation, क्योंकि R जो है वो आपका reflexive भी हो गया, symmetric भी हो गया and transitive भी हो गया, तो जो R है वो आपका एक equivalence relation हो गया। अभी और भी वो कुछ कह रहा है कि consider three right triangles T1, T2 and T3 with the given sides, which triangles among them are related? हमारे पास तीन ट्रायंगल दे रखे हैं, तीनों राइट एंगल हैं। लेट से दिस इज T1 और इसकी साइड है आपके पास 3 4 5 3 4 5, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट जो है ट्रायंगल वो है आपका, सभी राइट एंगल हैं, 5 12 13, और जो नेक्स्ट है वो है आपके पास 6 8 और 10, दिस इज टी थ्री, दिस इज टी टू। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन से ट्रायंगल्स रिलेटेड हैं। रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि कौन से इनमें से सिमिलर हैं। तो हमारे पास तीनों साइड दे रखी हैं और साइड से सिमिलरिटी चेक करने के लिए हमारे पास होता है एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी जिनकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाती हैं वो आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो हम चेक करते हैं, 3/5 इज इक्वल टू 4/12 इज इक्वल टू 5/13, नॉट इक्वल, यानी T1 और T2 की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं आ रही। 5/6, 12/8, 13/10 ये भी नहीं आ रही हैं। इसको करते हैं, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10, और तीनों ही बराबर हैं आपके पास 1/2 के, यानी ये प्रोपोर्शन में आ रही हैं। तो जो T1 है वो T3 के सिमिलर है, आप लिखोगे साइड्स of T1 and T3 are in proportion, so T1 is similar to T3, hence, अब यदि T1 और T3 similar आ गए तो relation भी तो similarity का ही है, जो similar है वो related है, तो आप बोल देंगे hence T1 and T3 are रिलेटेड। तो केवल यहां T1 एंड T3 आपके पास रिलेटेड होंगे। हमने एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ही चेक किया। आप पूछे सर क्यों, क्योंकि तीनों साइड दे रखी हैं, तो हमें उससे ही चेक करना पड़ेगा जिन ट्रायंगल्स की साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी, वो सिमिलर होंगे, दैट मींस रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन 13 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। एक ए सेट है, दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, जितने भी हमारे पॉलीगन्स हैं वो सब इस ए सेट के अंदर हैं, और इस पर जो आर है
वो एक रिलेशन डिफाइंड है किस तरीके से कि P1 कॉमा P2 दो पॉलीगन आपके रिलेटेड होंगे कब, व्हेन NP1 इज इक्वल टू NP2, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। अब आप पहले तो ना थोड़ा बेसिक देखो पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन बेसिकली एक क्लोज्ड फिगर होती है मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस से बनने वाली क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के साथ देखो, दो स्ट्रेट लाइन से तो फिगर क्लोज्ड नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट हमारे पास तीन साइड से क्या बनती है, क्लोज्ड फिगर बनती है। और ये सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन होता है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। फिर इसके बाद चार साइड्स वाले पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, पांच साइड वाले को कहते हैं पेंटागॉन, छह साइड वाले को कहते हैं हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, इस तरीके से। या फिर अब जैसे बड़ा वाला आ जाए, 11 साइड्स हैं तो इसको जनरली हम कह देते हैं 11 गॉन, उतनी साइड लिखो और गॉन लिख दो। तो ये आपके पॉलीगन होते हैं। तो पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड से, यानी कि देखो इसमें तीन साइड हैं तो इससे वो ही रिलेशन रख सकता है जिसके पास इतनी ही साइड होंगी। साइड्स का रिलेशन है और कोई रिलेशन यहां पर नहीं है। तो P1 और P2 में अगर नंबर ऑफ साइड्स सेम है तो वो रिलेशन रखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं 4 रिफ्लेक्सिव। मान लिया लेट P1 belongs to A, या फिर सम P मान लो, जो P कोई पॉलीगन है जो A से है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि NP is equal to NP। आप उन्हें दो बार गिन लो, मान लो कोई पॉलीगन है ट्रायंगल, तो इसमें तीन साइड, और दोबारा लिखोगे तो भी तीन साइड। मतलब कोई भी जो पॉलीगन है वो अपने साथ तो रिलेशन बनाएगा क्योंकि उसमें खुद के बराबर नंबर ऑफ साइड्स तो होंगी। तो आप कहेंगे विच इंप्लाइज P, P बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। तो R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। 4 सिमेट्रिक हम करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R। अब P1, P2 के R में होने का मतलब है NP1 इज इक्वल टू NP2, नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P2 में नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं NP1, क्योंकि बराबर तो हैं ही। अब NP2 यदि NP1 के बराबर है तो विच इंप्लाइज P2, P1 बिलोंग्स टू R। आप चेक करिए कि P1, P2 R में है, P2, P1 R में है, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है हमारा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। 4 ट्रांजिटिव हम इसको करते हैं। लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 belongs to R। हमने ऐसा मान लिया कि P1, P2 belongs to R and P2, P3 belongs to R। अब P1, P2 के R में होने का मतलब है कि NP1 is equal to NP2 and इसके होने का मतलब है NP2 is equal to NP3। यानी कि P1 में जितनी साइड है उतनी P2 में है, और P2 में जितनी साइड है उतनी P3 में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि NP1 इज इक्वल टू NP3, कि दोनों में नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं। और यदि P1 और P3 में नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि P1, P3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। तो R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया।
हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन वो इसमें पूछ रहा है, इक्विवेलेंस हमने शो कर दिया, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल्ड ट्रायंगल टी विद साइड्स। हमारे पास एक टी ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड है, जो 3, 4, 5 ये टी है, इससे रिलेशन कौन रखेगा। देखो हमें राइट या आइसोस्केल या फिर और किसी तरह का ट्रायंगल हो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ साइड्स पर डिपेंड करता है, इस बात पर नहीं करता कि वो राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोस्केल है या फिर गोल्डन ट्रायंगल है। चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, हमें केवल नंबर ऑफ साइड से मतलब है। तो यहाँ नंबर ऑफ साइड्स हैं 3, तो हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, पॉलीगन हैविंग साइड 3 इज रिलेटेड टू, हैविंग साइड 3। अब साइड 3 किसकी होती हैं, ट्रायंगल की, इज रिलेटेड टू गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या है कि इससे वो पॉलीगन रिलेट करेगा जिसके पास 3 साइड होंगी, दैट मींस ट्रायंगल, या फिर आप कह सकते हो कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज रिलेटेड टू टी, कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो है, क्योंकि सभी ट्रायंगल्स के पास ही 3 साइड हैं और जिनके पास 3 साइड हैं वो ही इससे रिलेशन रख सकते हैं, यानी इससे रिलेशन रखने वाला जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यहां पर है। क्वेश्चन 14 देखिए, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन में, जैसे ये आपका बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में जितनी लाइंस हैं वो आपकी एल में है। L be the set of all lines, set of all lines in a plane। फिर इसके बाद इस पर जो R relation है वो किस तरीके से defined है कि L1 comma L2 जो है वो इसमें तब आता है when L1 is parallel to L2, यानी ये दोनों जो आपस में है अगर वो पैरेलल होती हैं तो वो आपका यहाँ पर आएगा। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये शो करना है कि जो आर है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो 4 रिफ्लेक्सिव हम इसे करते हैं। हमने मान लिया कि लेट L1 बी एनी लाइन, लेट L1 बिलोंग्स टू L, हमारे पास कोई L1 लाइन है जो आपकी कहाँ है, L में है। अब हम ये तो जानते हैं कि कोई भी जो लाइन है वो अपने आप के तो पैरेलल होती ही है, तो हम बोलेंगे L1 इज पैरेलल टू L1। तो अगर L1 L1 के पैरेलल है, विच इंप्लाइज L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, तो L1 कॉमा L1 R में हो गया, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो जो R है आपका वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 4 सिमेट्रिक हम इसको करते हैं। फुल सिमेट्रिक करेंगे तो आप देखिए जरा, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, हमने L1 कॉमा L2 कहां ले लिया, R में ले लिया। अब L1 कॉमा L2 R में तब होगा जब आपका L1 पैरेलल टू L2 रहा होगा, और अगर L1 L2 के पैरेलल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1,
और जब L2 L1 के पैरेलल है सो विच इम्प्लाइज कि L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R. आप समझो कि L1 कॉमा L2 R में है, L2 कॉमा L1 R में हो रहा है, सो R इज सिमेट्रिक. तो जो R है आपका वो क्या हो रहा है, वो सिमेट्रिक हो रहा है. नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम इसे करते हैं. लेट L1 कॉमा L2 belongs to R and L2 comma L3 belongs to R. L1 comma L2 के R में होने का मतलब है L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. L1 L2 के parallel है, this is L1, और L2 L3 के parallel है, तो L1 L3 के भी तो parallel हो गया. तो हम यहाँ लिख सकते हैं which implies L1 is parallel to L3. तो L1 L3 के पैरेलल है, सो विच इम्प्लाइज कि L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव. R आपका क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है. नाउ हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि R जो है आपका वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया. तो हम कह सकते हैं कि जो R है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन. हमारे पास जो गिवन लाइन है, द लाइन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. हमने क्लास 11th में एक लाइन की, स्ट्रेट लाइंस की पांच फॉर्म्स पढ़ी थी. उनमें से एक फॉर्म थी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m होता था हमारा स्लोप एंड c होता था y इंटरसेप्ट. अब हमने एक और कंडीशन भी पढ़ी थी कि पैरेलल लाइंस के जो स्लोप हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं. यानी कोई जो लाइन है वो इसके पैरेलल कब होगी. देखिए इसका स्लोप क्या आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है और 4 है इसका इंटरसेप्ट. यानी ये जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि ये 4 पे कट करके निकलेगी. यहाँ जो भी एंगल रहेगा वो 4 पे कट करके निकलेगी. अब जो अगली लाइन हम बनाएंगे वो 3 से कट करके निकाल दें, और सेम एंगल के साथ 2 से कट करके निकाल सकते हैं, 1 से कट करके निकाल सकते हैं, और एंगल को हम सेम मेंटेन करके रखें, मतलब स्लोप को सेम रखें हम. तो जरा चेक करो कि इन पॉइंट से पास होने वाली जो लाइंस हैं वो इससे रिलेटेड होंगी, क्योंकि चेक कर लो वो सारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी. यानी आप केवल ये वैल्यू बदलते जाओ तो आपको एक सेट ऑफ लाइंस मिल जाएगा जो इससे रिलेटेड होगा, बट जो स्लोप है वो यही होना चाहिए क्योंकि वो तभी पैरेलल होंगी. तो आप बोल देंगे कि सेट ऑफ ऑल लाइंस related to y is equal to 2x plus 4 r y is equal to 2x plus c. ये आपकी वो सेट ऑफ ऑल लाइंस हैं जो आपकी इससे क्या रहेंगी, रिलेटेड रहेंगी, क्योंकि यहाँ स्लोप के बराबर होने का मतलब है ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस के जो स्लोप हैं वो इक्वल होते हैं. तो स्लोप को इक्वल रखा और यहां वैल्यू आपने सी लिख दी. अब सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ आपको एक सेट ऑफ ऑल लाइंस मिल जाएगा जो क्या होगा, इस गिवन लाइन के पैरेलल होगा. क्वेश्चन 15 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4. इस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है और जो आर है वो ये आपको दे रखा है, तो हमें इसमें से ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट होगा. तो हम बारी बारी चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या फिर नहीं है. आपका ज़रा चेक करिए कि सेट में है आपका 1 1.1 है, यहाँ पर ये रहा 2 है, 2.2 दिखाई दे रहा है, ये रहा 3 है, 3.3 भी है, और 4 है, 4.4 है. यानी कि हर एक a belongs to a के लिए यहाँ a कॉमा a टाइप का एलिमेंट R में है, सो R इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव तो ये है.
सिमेट्रिक चेक करते हैं 1, 2, 2, 1 है यहां पर, नहीं है। आप बोलोगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट जो 2, 1 है वो आर में नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव आप चेक कर लें यहां पर, कि जैसे डबलेट्स को तो चेक करना ही नहीं होता, ये तो आपके क्या होते हैं, हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। 1, 2, 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ले लो, 2, 1, 2 तो यहां पर है, और कोई है 2 से स्टार्ट होने वाला, ये भी ट्रांजिटिव है आपका। 1, 3, 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ले लो, और यहां पर आप देखो तो 3, 2, यहां पर 1, 2 है आपका, तो 1, 2 तो यहां पर है, और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट भी नहीं है यहां पर, तो यहां पर आप चेक करें तो ये क्या हो रहा है आपका, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी ये ट्रांजिटिव हो रहा है। नाउ 3, 2 को आप देखो, तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ले लो, अब 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट जैसे हमने ले लिया 2, 2, तो यहां 3, 2 है कहीं पर, 3, 2 भी आपका यहां पर है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है आपका, ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो 3, 2 के लिए सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि 4a, b बिलोंग्स टू r, फोर ऑल, b, c बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट a, c बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। अब जो r है वो आपका ट्रांजिटिव है। ऑप्शन देख लो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है हमारा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। आप दो तक करके भी कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कर सकते हो। कैसे, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि सिमेट्रिक नहीं हुआ, और इक्विवेलेंस वो तब होता है जब वो तीनों हो, तो ये नहीं होगा। आर इज सिमेट्रिक, ये नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक आ गया यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे है नॉट सिमेट्रिक, केवल एक बचा, उसको टिक कर देंगे आप, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप कर सकते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, किस तरीके से, जो ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है वो यहां तब आता है जब जो ए है वो बी से दो छोटा हो, बी से दो छोटा ए होना चाहिए, यानी यहां 6 है तो यहां 4 होना चाहिए, और जो बी है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं भाई, यहां पर जो ए है वो बी से दो छोटा है, सही बात है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को, बट जो बी है वो कह रहा है बी 6 से बड़ा होना चाहिए, बट यहां पर तो क्या है 4 है, यानी ये तो नहीं आएगा इसमें। फिर यहां 3, 8, जो ए है वो इससे 5 छोटा है जबकि 2 होना चाहिए, 8, 7 उल्टा जो बी है वो छोटा है यहां पर, तो यहां पर देखिए जो ए है वो बी से 2 छोटा है और जो बी है वो 6 से बड़ा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये केवल एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था जहां पे केवल आपको कंडीशन को देखना है, जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो आर के अंदर होगा।